अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। इस वक्त जो मेरे हाथ में आप ये आईसी देख रहे हैं, PQ12RF21, ये एक 12 वोल्ट का फिक्स्ड आउटपुट का रेगुलेटर है। लेकिन इसकी एक खास बात यह है कि ये इसकी एक फोर्थ पिन है जिससे हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। मतलब अगर पीएलसी से या किसी माइक्रो कंट्रोलर से इसको ऑन ऑफ करना है तो ये फोर्थ पिन जो है इससे हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। जो 7812 जो 12 वोल्ट का रेगुलेटर है वो 1.5 एम्पेयर जो मैन्युफैक्चरर है वो क्लेम करते हैं, लेकिन जब 1.5 उस पर लोड देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हीट होता है, लेकिन नॉर्मली वो 1 एम्पेयर तक बिल्कुल ठीक काम करता है। लेकिन ये 2 एम्पेयर तक है और ये शार्प कंपनी जैपनीज मैन्युफैक्चरर है, बहुत ज़बरदस्त है, बिल्कुल एक्यूरेट आपको 2 एम्पेयर तक देता है। और इसको दूसरे जो सबसे बड़ी बात है कि इसको किसी माइक्रो कंट्रोलर से, पीएलसी से या किसी प्रोसेसर से इसको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं, ऑन ऑफ करवा सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि उसकी पावर को हम ऑफ करें। पिन 1 जो है इसकी, ये इनपुट है, पिन 2 आउटपुट है, पिन 3 ग्राउंड है, और अगर पिन 4 को हम ओपन छोड़ दें तो ये आउटपुट में हमें पिन 2 पे 12 वोल्ट देगा। लेकिन जब हमें इसको ऑफ करना है तो पिन नंबर 4 है, इसको ग्राउंड करना है तो इसकी आउटपुट ऑफ हो जाएगी बिल्कुल और पावर यूज़ नहीं करेगा। जब ऑन करना है तो इसको हमें ग्राउंड रिमूव कर देंगे तो ये ऑन हो जाएगा। तो चलिए इसको टेस्ट भी करते हैं, इसके मैं कनेक्शन करता हूँ। तो इसके मैंने ये वायर्स लगा ली हैं। और दूसरी जो इसकी बात है, ये 35 वोल्ट तक हम इनपुट इसको दे सकते हैं। ठीक है, 12 वोल्ट। इनपुट पे ये देखें 13.8 दिए हैं। अब मैं इनपुट पे इसकी वोल्टेज बढ़ाता हूँ, ये इस वक्त 21 है। और अब मैं 35 करता हूँ, आउटपुट में 12। तो देखिए कितनी ज़्यादा ये एक्यूरेट है, मतलब बिल्कुल एक्यूरेट वोल्टेज है आउटपुट में। 13 से लेके 35 वोल्ट इनपुट हम देंगे तो 12 वोल्ट रेगुलेटेड हमें मिलेंगे 2 एम्पीयर तक, और वो भी ऑन ऑफ स्विच के साथ। तो देखिए हमारा लोड ऑन हो चुका है और ये फोर्थ पिन को मैं ये ग्राउंड करता हूँ, देखिए ऑफ हो गया, ऑन ऑफ। तो फोर्थ पिन को जब हम ग्राउंड करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा और एक्स्ट्रा किसी स्विच की जरूरत नहीं है, पावर रिमूव करने की जरूरत नहीं है, और ये पावर कंजम्पशन भी इसकी नहीं है। मैं ये टेस्ट पर्पज के लिए इसको यहाँ पे लगाया हुआ है, लेकिन आपने जब भी इसको लगाना है हीट सिंक पे लगाना है, क्योंकि थोड़ी सी हीट तो निकलती है, इसलिए हीट सिंक जरूरी होता है। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।